एक्शन सुपरस्टार विशाल सिंह जी आज फाइट सीन करने वाले हैं। जी विशाल जी, अपने फैंस ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, जो कि आज की शुरुआत नारियल तोड़कर गणपति बप्पा रोल होने से हो चुकी है। जी लाइव हैं, काफी फैंस आपके आपको देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें विराज पांडे जी, जो सरस सलील के मुख्य पत्रकार हैं और फिल्मी रिपोर्टिंग करते हैं, सबके इंटरव्यू छापते हैं, और इन्होंने सरस सलील जैसा बड़ा फिल्म अवार्ड इस बार करवाया उन्होंने। जी वो देख रहे हैं, पहले विराज पांडे जी को क्या बोलूं। नमस्ते बोलता हूँ, जो भी लोग जुड़े हैं हमसे, ऑब्वियसली अभी तो मुझे पता है सब लोग हैं, तो ठीक है। अभी तो शूट है, क्लाइमेक्स हुआ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बोलने के लिए है ही नहीं एक्चुअली। जब शुरू हो जाएगा फिर कुछ कर लेंगे, फिर बताने में मजा आएगा। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, पूछा किया है। कल थोड़ा लेट नाइट तक शूट हुआ था, गाने हो रहे थे एक्चुअली, लेट नाइट शूट था इसलिए थोड़ा लेट शुरू हुआ आज, बट ठीक है। हमारे मास्टर जी हैं दिनेश जी, इसके पहले भी इनके साथ काम किया है मैंने, बट इसमें थोड़ा कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पहले से प्लान करके आए हैं, अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा। आपकी पहली फिल्म थी दुल्हन ले आई पाकिस्तान से, जो तहलका मचाई थी, उसके बाद हर कोई दुल्हन पाकिस्तान से ले आना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे जो आपको फॉलो किया लोगों ने? मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे फॉलो किया, मुझे फॉलो बोलना ये गलत है। उस पैटर्न को लोगों ने फॉलो किया था, जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया था, उस पैटर्न को लोगों ने फॉलो किया, जो पाकिस्तान के नाम से फिल्म थी या जो एक्शन बनी थी, या मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड जो कहानियां थी, उस चीज को लोगों ने फॉलो किया। तो बहुत सारी फिल्में उस पर बनी है, उसमें से बहुत सारी फिल्में हिट भी है, कुछ फिल्में नहीं हिट है, कुछ हिट है। डिपेंड करता है, हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा काम करता है, बाकी चलना नहीं चलना तो ऑडियंस के हाथ में है ना। फिल्म निर्देशक मिथिलेश अविनाश जी, जो अलग जोनर की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ मिलकर एक अलग सिनेमा चुनौतीपूर्ण लेके आ रहे हैं फिरौती के रूप में, और अब इसमें आपने गेटअप भी अपना चेंज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे फिरौती को लेकर के? एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है, अभी का टाइम ऐसा है कि हमारे इंडस्ट्री में या हमारे ट्रेड में सभी लोग एक फैमिली ड्रामा के पीछे भाग रहे हैं या एक रोमांस टाइप की फिल्में बना रहे हैं। ये थोड़ा सा बीच से हट के, इसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं फैमिली चीज नहीं है या मतलब रोमांस कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका बेस जो है वो एक्शन है, आउट एंड आउट कुछ पांच एक्शन है इसमें, तो आउट एंड आउट इसका जो बेस है फिल्म का वो एक्शन है। कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है कहानी के हिसाब से, तो कहानी वैसी है तो मजा आएगा काम करने में। मुझे लोग एक्शन ही देखना चाहते हैं, आई थिंक जो मुझे सुनने में आता है, पब्लिक मुझे एक्शन के रूप में ही ज्यादा देखना चाहती है, या इवन ट्रेड के लोग भी है। मेरे पास भी जो कहानी आएगी, जो डायरेक्टर आते हैं,
जैसे हमारे मिथिलेश जी भी आए तो बोले कि विशाल जी ये जो कहानी है जो एक्शन है इसको आप ही कर पाएंगे, ये कैरेक्टर सिर्फ आपके लिए ही है। तो मतलब जो हमारे ट्रेड के भी लोग हैं वो भी सिर्फ मतलब एक्शन से ही मुझे देखा जाते हैं, तो इसमें है कि एक्शन कॉन्सेप्ट उस पर काम कर रहे हैं, मजा आएगा। शूट हो गया आई थिंक आज पांचवा दिन है शूट का, अभी भी कुछ बचे हैं शूट। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई पर आप कर रहे हैं, नीचे जो है देखिए बहुत नीचे गंगा की धारा दिख रही है, गंगा माता जी दिख रही है, इधर हम लोग काफी ऊंचाई पर हैं, तो विंध्याचल पर्वत और इतने ऊपर आकर के भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पर्वत पे हैं ही नहीं, क्या कहना चाहिए इतना भव्य लोकेशन जो मिला है। लोकेशन बहुत अच्छा है, ये जो टीम थी एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर साहब थे इस लोकेशन में इन्होंने पहले फिल्म किया था, तो उनको लोकेशन अच्छा लगा था और हमारी कॉन्सेप्ट कहानी के हिसाब से भी कुछ ऐसे ही लोकेशन थे, जंगल पहाड़ मैं किताब करके लेके जाऊंगा, तो उसके बाद से कुछ ऐसा वो टिपिकल चीजें नहीं दिखा सकते, घर ग्राउंड या पब्लिक चीजें नहीं दिखा, तो इसमें कहानी के हिसाब से भी जंगल पहाड़ है, उस हिसाब से कहानी में मोस्टली सीन जो हमारे हैं वो आउटडोर ही है, इंडोर घर में मुझे लगता है कुछ 5-7 सीन होंगे, आदमी बहुत हुए थे, वरना सारे सीन चाहिए पहाड़ी एरिया में या गंगा में शूट। अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे उनको? पता नहीं, फैंस के लिए क्या कहना चाहें जो आपको देख रहे हैं? नमस्ते बोलूंगा मैं सबको, आप अगर इसमें देखने की बात होती है तो हमारे ट्रेड के लोग हमारे सीनियर लोग मुझे देख रहे होंगे, तो मैं सबको नमस्ते बोलता हूँ, और मैं बोलने लायक कुछ हूँ नहीं, सबसे छोटा हूँ या सबका छोटा हूँ, मैं बहुत कुछ बोल नहीं चाहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।